चहल की स्पिन या उमरान मलिक का पेस, आईपीएल में इस साल कौन जीतेगा पर्पल कैप की रेस। युजवेंद्र चहल ने कर दी है पर्पल कैप पर कब्जा करने की पहल, मतलब जिस स्पिनर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ना रिटेन करने की कोशिश की ना मेगा ऑक्शन में खरीदने की कोशिश की, उस बॉलर ने पहले ही मैच से इस आईपीएल में दिखा दिया कि एआरसीबी तुम्हारा तो बैड लक ही खराब है। चहल ने वैसे अपनी परफॉर्मेंस से उन सिलेक्टर्स के पुराने पाप भी उजागर कर दिए हैं जिन्होंने चहल को पिछले साल T20 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट करना तक ठीक नहीं समझा था। आईपीएल 2022 की पहली हैट्रिक लेने वाले युजवेंद्र चहल ने अभी तक पूरे आईपीएल में सिर्फ 7 रन पर ओवर की इकोनॉमी से रन दिए हैं और पहले 8 मैच में 18 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। क्या चहल ही पहनेंगे पर्पल कैप और अपनी स्पिन बॉलिंग से करेंगे सबको ट्रैप? अगर आपका जवाब है हाँ तो कॉमेंट्स में यूजी बाजी मारेगा लिख दो। उमरान मलिक की जबरदस्त पेस ने टाइट कर दी है पर्पल कैप की रेस। सनराइजर्स हैदराबाद के इस 22 साल के बॉलर ने अच्छे अच्छे बैट्समैन की हवा टाइट कर रखी है। जम्मू एंड कश्मीर की वादियों से निकला ये सुपर फास्ट बॉलर अब आईपीएल पर्पल कैप जीतने का फेवरेट कंटेंडर बन गया है। पहले 8 मैच में 15 विकेट और सिर्फ 8 रन पर ओवर का इकोनॉमी रेट, उमरान मलिक ऑलरेडी आईपीएल 2022 की सबसे बड़ी खोज बन गए हैं। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट इस बॉलर ने 25 रन देकर पहली बार एक T20 मैच में 5 विकेट लिए और जिस तरह डेल स्टेन की कोचिंग में ये बॉलर अपने पेस और यॉर्कर से बैट्समैन को बोल्ड मार रहा है, T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्टर्स को भी ये बॉल ओवर अगर कर दे तो मुझे तो हैरानी नहीं होगी। क्या उमरान मलिक जीतेगा पर्पल कैप की रेस और सबको पीछे छोड़ देगा विद हिज डेडली पेस? अगर आपको भी लगता है सेम केस तो कॉमेंट्स में उमरान मलिक से बचकर रहो लिख दीजिए। टी नटराजन, सनराइजर्स हैदराबाद के इस बॉलर को 2020 के आईपीएल की खोज माना गया था। आईपीएल 2021 में नटराजन हो गए इंजर्ड तो इनको रिटेन करना एक बोझ माना गया था, पर सनराइजर्स हैदराबाद को नटराजन पसंद हैं और इस साल मेगा ऑक्शन में नटराजन को वापस खरीदने का सौदा एसआरएच के लिए फायदा ही फायदा लेकर आया है। नटराजन के पास उमरान मलिक वाला एक्सप्रेस पेस तो नहीं है पर उनकी यॉर्कर डालने की एबिलिटी और स्लॉग ओवर्स में इकोनॉमिकल बॉलिंग इस साल उनको पर्पल कैप जिता सकती है। पहले 8 मैच में 15 विकेट और लगभग 8.5 की इकोनॉमी, नट्टू भाई की फिटनेस ने अगर धोखा नहीं दिया तो ये बॉलर फिर से सिलेक्टर्स का ध्यान T20 वर्ल्ड कप टीम के लिए अपनी तरफ खींच सकता है। क्या नटराजन जीतेंगे पर्पल कैप की रेस और बनकर निकलेंगे आईपीएल 2022 का फेस? अगर आपका जवाब है हां तो कमेंट्स में नटराजन बनेगा नंबर 1 लिख दो। इन 3 बॉलर्स के अलावा काफी टाइट रेस में चेन्नई सुपर किंग्स के ड्वेन ब्रावो, गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शमी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के वनिंदु हसरंगा और दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव भी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है किस बॉलर की होगी परफॉर्मेंस सुपर हिट और कौन लेगा आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा विकेट? जो है आपका प्रेडिक्शन लिख दीजिए इन कमेंट सेक्शन। बाकी क्रिकेट से जुड़ी सारी न्यूज, सारे अपडेट, सारा मजेदार कंटेंट मिलेगा आपको यहीं पर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। देखते रहिए अनकट।